अगर आप जानना चाहते हैं कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग की डायरेक्शन को पेपर पे किस तरीके से लिखा जाता है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए डायरेक्शन को ड्रॉ करता हूं मैं। ये जरा सा तिरछा मैं ड्रॉ करूं। ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन अब इसे मैं n लिखता हूं। n का मतलब नॉर्थ NORTH नॉर्थ नॉर्थ का अपोजिट साउथ SOUTH साउथ और इधर मैं ईस्ट लिखता हूं EAST ईस्ट और इधर साउथ सॉरी वेस्ट WEST वेस्ट। ये एरो की मैं दे देता हूं इधर चारों तरफ एरो की। ये नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट ये वेस्ट इस तरीके से। अब अप और डाउन को आइसोमेट्रिक ड्राइंग में पेपर के जस्ट अप और डाउन को जस्ट डाउन इस तरीके से लिखते हैं। ये अप ये डाउन इसमें भी एरो की दे दें। इस पॉइंट को आप ओ लिखें। ओ का मतलब ओरिजिन ORIGIN ओरिजिन। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ये इधर नॉर्थ नॉर्थ का अपोजिट साउथ ये इधर ईस्ट ये इधर वेस्ट और ये ऊपर अप ये नीचे डाउन इस तरीके से डायरेक्शन को शो किया जाता है। पेपर के इस तरफ आप नॉर्थ को इंडिकेट करें नॉर्थ का डायरेक्शन यानी कि इस तरफ नॉर्थ है। ये 3D व्यू को 2D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखें। ये ईस्ट ये अप ये ईस्ट और अप का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये अप और ये नॉर्थ का एंगल है वो 90 डिग्री। फिर उसी तरह से ये वेस्ट और नॉर्थ का एंगल है वो 90 डिग्री और वेस्ट और अप का एंगल है 90 डिग्री यानी ये सेम। इसको मैं ये इस तरीके से 2D में रिप्रेजेंट किया है। ये देखिए ये सब जो भी है ये सब आपस में 90 डिग्री है। ये इधर 90 डिग्री ये इधर 90 डिग्री ये इधर 90 डिग्री ये जो चारों जो लाइन है ये सब आपस में 90 डिग्री में है। देखिए अब इस तरीके से ये पॉइंट में रखा। ये डाउन का ये वाला लाइन ये डाउन ये अप का ये वाला लाइन ये ईस्ट का ये वाला लाइन ये साउथ का ये वाला लाइन और ये नॉर्थ नॉर्थ का ये वाला लाइन। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो देखिए ये नॉर्थ की ओर गया और ये अप है तो ये वाला अप ये अप डायरेक्शन ये चूंकि ये डाउन है तो ये डाउन डायरेक्शन चूंकि ये वेस्ट है तो ये वेस्ट में गया और ये ईस्ट है तो ये ईस्ट डायरेक्शन में गया इस तरीके से। ये देखें ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखें। इसको आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो भी लाइन है अप नॉर्थ वेस्ट डाउन साउथ इस तरीके से हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग को 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। आइए नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल आपको बताता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। आइए एग्जांपल करें।
यहाँ पे मैं एग्जाम्पल करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन मूविंग इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में, चाहे वो नॉर्थ हो, कहीं भी जा रहा हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अप और डाउन, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन मूविंग इन वन डायरेक्शन। अब ये अपना आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो, उसमें वन डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा ये मैं एग्जांपल से बताऊंगा। एग्जांपल नंबर वन, एक एग्जांपल ले लें। ड्रॉ अ लाइन इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन, ड्रॉ अ लाइन इन ईस्ट डायरेक्शन। अब इसका लेंथ आप 300 ले लें, 300 mm। ड्रॉ अ लाइन इन ईस्ट डायरेक्शन एट 3 mm लॉन्ग। 300 mm लंबी लाइन खींचनी है ईस्ट डायरेक्शन की ओर। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन को लिखे, किस तरीके से डायरेक्शन मैंने अभी जस्ट बताया आपको। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, और ये अप वाली लाइन, और फिर ये डाउन वाली लाइन। तो उधर आप नॉर्थ लिखे, नॉर्थ को चेंज भी कर सकते हैं, मगर ज्यादातर ड्राइंग में नॉर्थ अप के अप साइड का लेफ्ट डायरेक्शन में नॉर्थ होता है। तो एक तरफ आप नॉर्थ एज्यूम करें, तो नॉर्थ का जस्ट रिवर्स साउथ, इधर ईस्ट, ये इधर वेस्ट, ये अप और ये डाउन। ये नॉर्थ ना लिख करके डायरेक्ट नॉर्थ का फर्स्ट लेटर एन लिखे आप, उसी तरह से अप का फर्स्ट लेटर अप, साउथ का फर्स्ट लेटर एस, उसी तरह ईस्ट का फर्स्ट लेटर ईस्ट, उसी तरह से डी या डब्लू, ये इधर ईस्ट, इस तरीके से आप लिखे। इधर एरो की आप दे दे। अब देखें, ड्रॉ अ लाइन इन ईस्ट डायरेक्शन एट 300 mm लॉन्ग। 300 mm लंबी लाइन ईस्ट डायरेक्शन की ओर मुझे ड्रॉ करनी है। तो ये देखो, वो एक पॉइंट आप ले ले, उस पॉइंट को आप ओ मतलब ओरिजिन, मैं आपको बाद में ओरिजिन का मतलब समझाऊंगा कितना इम्पोर्टेंट है वो। तो सबसे पहले ओ पॉइंट एक ले, एक पॉइंट ओ पॉइंट से आप ईस्ट की ओर 300 mm जाए। इस दो पॉइंट को आप 300 mm लिखते, यानी कि ओ से ईस्ट की ओर 300 mm लॉन्ग आपने लिखा। अब इन दोनों को, दोनों पॉइंट को कट करके इधर अगर हम लिखेंगे तो 300 mm लॉन्ग लंबी लाइन होगी नॉर्थ ईस्ट की ओर। ये ईस्ट डायरेक्शन की ओर आपने 300 mm लंबी लाइन खींची है। आप किसी और डायरेक्शन में इसे नहीं खींच सकते, क्योंकि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इसी तरीके से लाइन ईस्ट की ओर जाती है। तो ये आपने एक लाइन खींची जो ईस्ट डायरेक्शन की ओर है। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।